मध्य प्रदेश के शहडोल में बड़ा हादसा हो थोर तलीगा। दरअसल यहां 20 सड़क में 11 केवी बिजली के तार गिरगा और तार गिरते आगे लग गए, जैसे अफरा तफरी के माहौल बनगा। अपने को बता दी कि जोने वक्त यह तार टूटा वो वक्त लोग मॉर्निंग वॉक खातिर ने सड़क पर निकले रहे, वह गुजरे वाले लोगन में भगदड़ की स्थिति बन गए। गनीमत यह रही कि सवेरे के टाइम रहा, यही से सड़क में भीड़ बहुत ज्यादा नहीं रही, नहीं तो बड़ा हादसा घलाय हो सकत रहा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महम पूजा अपना पंचे सब अचरे का प्रणाम कहते हुए शुरू कही थे। ये बड़ी खबर से अपना बता दी कि शहडोल जिला के बुढ़ार थाना क्षेत्र से यह घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल के लगे वो वक्त अफरा तफरी के माहौल बन गया, जब अचानक 11 केवी के बिजली के तार टूट के सड़क में गिर पड़ा। तार गिरे से सड़क में करंट फैल गया और आगे लग गए। ये दौरान मॉर्निंग वॉक करे वाले लोग वहां से जो गुजरत रहे वहां भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद समाज सेवी पुलिस और एमपीईबी का जानकारी दी, जिसके बाद मौके में एमपीईबी के टीम सुधार के काम शुरू करी। हालांकि सूचना दे के कुछ देर बाद एमपीईबी के टीम मौके में पहुंची, जो दौरान सड़क में करंट दौड़त पड़ा रहा, जैसे बड़ी घटना घलाय हो सकत रही। अपने को बता दें कि बुढ़ार थाना क्षेत्र से घटना सामने आई है, जहां के गोपालपुर रोड एमजीएम स्कूल के सामने अचानक सवेरे 11 केवी के बिजली के तार टूट के सड़क में गिर गया और करंट सड़क में प्रवाहित होला। ये दौरान क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक करे वाले समाजसेवी नरेंद्र तिवारी स्थिति का परख के पुलिस और एमपीईबी का जानकारी दीन। मौके में एमपीईबी के टीम पहुंच के सुधार के काम शुरू करें। हालांकि सूचना दिए से देर से पहुंची एमपीईबी के टीम के पहुंचे तक तार सड़क में पड़ा रहा और सड़क में करंट प्रवाहित होता रहा, जिससे बड़ी अप्रिय घटना घलाय हो सकत रही। पर संयोग बस सवेरे के टाइम रहा, जैसे सड़क में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही और लोगन के जागरूकता के कारण यह बड़ा हादसा टल गया। तो दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। पढ़ाओ।